महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर विवाद गहरा गया है। सांसद नवनीत कौर राणा और उनके पति रवि राणा को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्म आ गई है। मुंबई पुलिस ने आज सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को बांद्रा हॉलीडे कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद नवनीत राणा और उनके पति को बांद्रा कोर्ट ने 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में पुलिस ने राणा दंपत्ति की 7 दिन की रिमांड मांगी थी, हालांकि कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। बता दें कि आज ही नवनीत राणा के खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में एक और FIR दर्ज की गई थी, जिसमें पुलिस मामले की जाँच कर रही है। खार पुलिस स्टेशन में अब तक 3 केस दर्ज हो चुके हैं, इनमें से 2 मामले नवनीत राणा के खिलाफ तो वहीं तीसरा केस भीड़ के खिलाफ दर्ज किया गया है। हनुमान चालीसा विवाद को लेकर मुंबई में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने शनिवार को अमरावती सांसद नवनीत राणा के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था और हनुमान चालीसा को लेकर विवाद के बीच बैरिगेट्स तोड़ दिए थे। शिवसैनिकों ने नवनीत राणा के घर में जबरन घुसने की कोशिश भी की थी। गौरतलब है कि सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा ने ऐलान करते हुए कहा था कि वह शनिवार को सुबह 9 बजे मातोश्री जाएंगे और मातोश्री के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जिसके बाद यह पूरा मामला गर्माया था। INS रिपोर्ट।